इतना गुस्सा। जी तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट हाफिज मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अनस वेब। और ये आ गया जी बच्चा अस्सलाम वालेकुम करने, आप ही कर लो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो अभी हो रही है हमारी क्या कर लूं? आज मैं आपको खुद कह रही हूं। जी जी कर लें, आप कर लें, आपको याद आ गया। कैसे आप सब, उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं जल्दी जल्दी सलाम करने इसलिए आई हूं कि मैं मीरा को देख रही हूं। दो तीन दिन से ये जब वीडियो स्टार्ट करते हैं तो ये सोफे पे चढ़ जाती है आपको हेलो हाय बाय बाय करने के लिए। तो ये देखे अभी भी माशाल्लाह। मैं ये सोचती हूँ जब छोटी थी ना तो इसको हम गोद में उठाते थे, आपको दिखाते थे, ये रो भी रही होती थी। तो माशाल्लाह खुद उसको पता चल गया, ये भी यूट्यूबर बनने लगी है अब, आपकी खास यूट्यूबर। तो अब इसको भी आपने प्यार देना है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा प्यार देना है। और जिस भी सब्सक्राइबर ने, ये एक सब्सक्राइबर हमारा बढ़ाया है, उनका बहुत ज्यादा शुक्रिया, क्योंकि हम बहुत ज्यादा फंसे हुए थे 461 पे, खैर अब 62 पे फंस गए हैं। तो इसको भी जल्दी जल्दी से पूरा करें और जो है हेल्प मी। तो खैर जी, आज का जो आज हमने खुद को एक चैलेंज दिया है जी, कि आज हमने कोशिश ये करनी है कि हमने बाहर जाना है और 1000 रुपये में हमने सब ने खाना खा के आना। तो देखते हैं ये चैलेंज आज पूरा होता है कि नहीं। आज पता नहीं इनका क्यों दिल किया, ये कह रहे हैं आज बाहर चलो, आज बस मुझे कुछ हो रहा है। मैंने बेसिक ना, एक तो घबराहट बहुत ज्यादा हो रही थी मुझे, तो मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया था, लेकिन मौसम जो अच्छा हुआ है अल्लाह ताला से दुआ ये है कि मौसम अच्छा ही रहे, लेकिन खैर आफियत वाला हो, कराची वाले हों या लाहौर वाले हों या पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हो, अल्लाह ताला सबको अपनी जुबान में रखे। ये बहुत ज़्यादा जो है वो इस टाइम अलार्मिंग सिचुएशन है, तो अल्लाह ताला जो है इस आफत को हमसे टाल दे। तो हमें ये चाहिए कि हम सदका खैरात करें और अल्लाह ताला की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। तो खैर घबराहट थी, तो मेरा मूड था कि यार आज बाहर चलते हैं, हालांकि ये मुझे कह रही थी कि आटा वगैरह हर चीज़ पड़ी हुई है तो घर पे ही खाना खाते हैं। मैंने कहा नहीं, मेरा नहीं मूड है आज घर पे खाने का, आज मैं कह रहा हूँ कि बाहर चलते हैं। तो बेसिक प्रोग्राम ये भी था कि आज वीडियो भी साथ बनाएं और ख़ुद को चैलेंज भी करें कि पाकिस्तान में रहते हुए माशाल्लाह 4 बच्चे और हम 2, क्या हम 1000 रुपये में अच्छा खाना खा सकते हैं। लेकिन खा तो सकते हैं, लेकिन क्या 1000 ही लगता है या ज़्यादा लगता है, मसला तो ये था। तो खैर जो मैंने सोच रखा है हमने वही जो है वो ऑर्डर करना है जाके, इनसे मैंने कुछ नहीं पूछना, मैंने जाके वही चीज़ें ऑर्डर कर देनी है जो मेरे दिमाग में चल रही हैं। कुछ इनका भी था बारबेक्यू का प्रोग्राम, तो मैंने कहा चलें अभी चलते हैं। अभी खैर मैं पानी लेने जा रहा हूँ, आपको वो भी दिखाते हैं कि हम कितनी मेहनत के साथ पानी लेके आते हैं। यहाँ पर घर में जो नल में पानी आता है वो तो पी नहीं सकते हम, तो फिर बाहर से लाना पड़ता है। अभी वो लेके आते हैं और फिर चलते हैं हम खाना खाने, और आपको भी बताएंगे कि हमारा कितना बिल बना और हमने कितने चीज़ें मंगवाई और क्या किया और क्या नहीं किया। तो आप ये कब से वेट कर रहे हैं बेचारे, इनको बस हमने यही याद कराया, अभी और कुछ नहीं आता। लेकिन ये कि जब वीडियो हम बना लेते हैं एंड कर लेते हैं, उसके बाद फिर ये कहेगा पापा हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, पापा लोग लाइक नहीं कर रहे। तो मैं कहता हूँ भाई इधर बोला करो, जब वीडियो बन रही होती है तब बोला करो, रिक्वेस्ट किया करो कि अंकल आंटी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बोलो बोलो, अब आपने इसको इनको पकड़ लेना जब ये बाहर कहीं नजर आए ना, इनको कहना क्यों नहीं बोलते तुम लोग। अच्छा यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूंगी, जिससे हमने इनके कान बनवाया ना, वैसे उसका हाथ अच्छा था, इसके कान जल्दी मतलब कोई मसला ही नहीं हुआ, ठीक हो गया माशाल्लाह, कान ठीक हो गए हैं। लेकिन बस थोड़ा सा हमें लग रहा था ऊंचा नीचा, वो भी खैर कोई नहीं है, ठीक है ओके। मैं सोच रही हूँ कि मैं मीरा के बीच जल्दी बनवा लूँ। अच्छा जी, अभी तो मैं जा रहा हूँ फिर पानी लेने, पानी लेके आते हैं, फिर इंशाल्लाह चलते हैं खाना खाने और फिर आगे आपको बताते हैं कि हमारे जो है वो कितने पैसे लगे और जो है हमने क्या क्या ऑर्डर किया। तो अभी इनको याद आ गया, अब इनको याद आ रहा है जी कि हमने भी बोलना है। जी रहने दो, बस करो बस करो बस करो, रुलाओगे क्या। तो जी मैं पानी लेने पहुँच गया, मैंने कहा बोतल भर जाए और आपको साथ साथ दिखा भी दें। अच्छा जी, तो जैसे आपको मैंने कहा था कि आज जो है हम इनको 1000 रुपये का नोट जो है वो खर्चाएँगे, तो अभी हमने ऑर्डर दिया है, चीज़ें आ गई हैं, अभी इसको इन्जॉय करते हैं, फिर आपको बताएंगे कि हमारा बिल जो है वो आज कितना बनता है और 1000 लगता है या ज़्यादा लगता है, यानी कि एक फैमिली इसमें 6 अफराद हैं, क्या वो 1000 में बाहर जाके खाना खा सकते हैं या नहीं खा सकते।
अभी देखते हैं आज कितना बिल बनता है। अभी ऑर्डर कर दिया, लेकिन ये भी हमने बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल जो प्लेस है ना चूज़ की है। आप कर लो सलाम, आपको सलाम करना, चलो करो। तो बहुत ही इकोनॉमिकल हमने प्लेस जो है वो चूज़ की है, ताकि जो है हम देख सकें कि एक फैमिली और माशाल्लाह ये चार बच्चे जो है वो खाना खा सकते हैं। मतलब नॉर्मल से ही किया, ज़्यादा नहीं। तो पहले हम यहाँ से गए थे हीरा चरगा पे, वहाँ पर जो है वो एक तो इन्वायरमेंट नहीं इतना अच्छा लगा, यानी कि एसी थे फुली, लेकिन ये कि पता ही नहीं चल रहा था कि एसी चल रहा है या नहीं चल रहा। तो खैर अभी जो है वो खाना खा के फिर आपसे दोबारा मिलते हैं। रोटी आई नहीं थी, ये दे के चले गए। अभी ये टेबल साफ़ करनी थी, क्योंकि अभी फिनिश हुई है, मतलब फारीक हुई है टेबल। बच्चे इंतज़ार में, अब रोटी के नाहिल पकड़ लिया हमने आप। ओए चलो इधर आओ, क्या हुआ, गुस्सा आ रहा, पापा को मारना है, क्या कर रहे हो, इतना गुस्सा। नहीं दी बोतल, नहीं दी बोतल, बोतल नहीं दी, तोड़ दो ग्लास। अच्छा देते हैं बोतल, सबर करो। अच्छा अच्छा, पानी शानी भी ले आए थे, और फिर हमने जो है वो टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट था, एक लाइट चलेगी, आपको पता है अब लाइट भी बहुत ज़्यादा जाने लगी है, तो हम फिर फटाफट से निकल के खाना खाने। मेरा प्रोग्राम था हीरा हीरा जो चरगा है ना, हीरा नहीं हीरा चरगा जो है उस पर जाने का, तो वहाँ पे हम गए हैं। तो बाहर तो माशाल्लाह लिखा हुआ था जी फुल एसी प्रोग्राम एंड टिप टॉप, लेकिन अंदर जाके जब बैठे हैं तो एसी के सामने बैठे, यही हाल था मेरा जो अब हो चुका है कि पसीन, और इतनी अजीब सिटिंग उनकी, मतलब कुर्सियाँ फटी हुई हैं, हर चीज़ जो है, और रेट्स मैं कहता हूँ वाह, तो मतलब अब्दुलरहमान की भी चीख निकल गई जिन्हें पैसे देने ही नहीं। तो ये देखिए ये पापा का एहसास है। तो जी इसने जो है, हमने खैर रेट्स देखे, तो रेट्स क्या बताने अब उनके, आप जाते होंगे तो आपको पता ही होगा। तो खैर मुझे तो इकोनॉमिकल नहीं लगे, मैंने कहा यार एक तो सीटिंग, मतलब अगर तो सीटिंग हो ना बहुत हाई फाई सी हो, तो बंदा कहता है यार कोई बात नहीं, मतलब जैसे हम रिजवान पे जाते हैं तो हम कहते हैं यार चलो सीटिंग बहुत हाई फाई है, अच्छी सीटिंग है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, एसी चिल है, मतलब सर्दी लगने लग जाती है। तो यहाँ पर वो प्रोग्राम था कि एसी के सामने बैठ के पसीने निकल रहे थे, और जो है दिल कर रहा था कि बस उठें और चले जाएं, तो वही हमने किया, हम बैठे हैं और मेन्यू देखा है, और उसके बाद दिल किया कि बस चले जाएं। तो हाँ जी, जब हम वलीमे में गए थे ना, वलीमे में, हाँ कौन से वलीमे में, रेवा, वलीमा किधर से आ गया मनाहिल, हम बात क्या कर रहे हैं आपको पता है, जब हम वलीमे में जी तो बारिश शुरू हो गई है जी, खैर अपडेट आ गई जी, ये न्यूज़ अपडेट हमारे लेके आते हैं, ये यही काम करते हैं, जब वीडियो भी बन रही हो ना तो यही मसला आता है कि हम बाहर जाके देख लें कि पता नहीं क्या आ रहा है। एक्चुअली ना मैंने कल कपड़े धोए थे तो बारिश की मुझे ऐसे लग रहा आवाज आ रही है, इन्होंने ना डोर बंद किया हुआ है तो मुझे आवाज आ रही है जैसे बारिश हो रही है, मैं कह दो तीन तो रह गए कपड़े वहां पर, तो मैं जरा देख के आऊं वाकई बारिश हो रही है, तो वाकई बारिश हो रही थी। तो अभी जो था बेसिक एसी हमने ऑन किया, उसकी वजह ये भी थी कि जो है एसी को आज धोया था, तो मैंने कहा चलो इसको ऑन करके भी देखते हैं। तो खैर जी हमारा बिल बना था कितना, वो भी आपको दिखाते हैं, वहां से आप बिल लेके आए जरा, उसी ड्रॉ के अंदर मैंने वो बिल रखा था, वो मेरे कार्ड जो पड़े हैं उनमें पड़ा होगा। तो जी हमारा बना बिल 1090 रुपये का। अब हंसी की बात ये है कि हमारा बिल जो बनना था वो 1000 से कम ही बनना था, तो मज़ायका ये हुआ कि आज जो है उन्होंने हम पे जो है वो जो रायता वो साथ लेके आते हैं वो भी चार्ज किया। तो चलें खैर, दही इतना महंगा हो गया कि वो लोग क्या करें, जो पहले वो रायता वैसे ही देते रहते थे, अब उनसे नहीं होता कि मतलब वो रायता फ्री दें, और आपको बाकी चीज़ों के भी रेट्स पता हैं, हर चीज़ का रेट्स बढ़ गए हैं। तो खैर 1090 जो है वो हमारे लगे, तो इसमें वो 60-90 रुपये वही इजाफी थे, यानी कि 60 रुपीज़ उन्होंने जो है वो रायते के चार्ज किए, और 30 रुपीज़ डिस्पोजेबल ग्लासेस के चार्ज हुए। 1000 का टारगेट बनाकर गए थे और वो इनका टारगेट पूरा नहीं हुआ, नहीं 1000 का टारगेट हमारा पूरा हो गया, लेकिन वो इस तरह ऊपर लग के, क्योंकि वो रायता चार्ज हो गया और ग्लास जो आए वो चार्ज हो गए, तो दैट्स वाई ऊपर चले गए। लेकिन खैर खाना अच्छा था, बहुत अच्छा था, अच्छा मज़ा आया,
इवन हमसे नहीं खाया गया, थोड़ा सा बच भी गया, तो वो जो था बच्चा हमारा मलाई बोटी जो हमने मंगवाई थी वो बच गई। वो हालांकि ये मुझे कह रही थी कि आप जो है वो कबाब ज़्यादा मंगवा रहे हैं, लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं थे, 4 कबाब मंगवाए थे, लेकिन हमारी जो डाइट है वो इतनी ज्यादा नहीं है, कम खाते हैं। सर्वेंट था, इन्होंने रोटियों का बताया तो मुझे ऐसी आ रही थी, वो बहुत कम कह रहा था, वो कह रहा था ऐसे मुझे। मैंने कहा यार उसके चक्कर ना, बेसिक देखें हमें भी ख्याल करना चाहिए, हम लोग क्या कहते हैं जी 2 रोटियां लाया बाकी फिर लाए, अब वो पहली दूसरी मंजिल पे अगर आप बैठे हैं वो बेचारा बार बार नीचे जा रहा है फिर ऊपर आ रहा है, तो मैंने उसको कहा एक बार यार आप 6 रोटियां ला दो, तो मुझे खुद कहता नहीं आपकी 5 लगेंगी। मैं क्या अच्छा जी, मैं क्या चलो 5 ले आओ, तो खैर वो 5 रोटियां ले आओ, बाकी हमसे 5 रोटियां नहीं खाएगी क्योंकि वो रोटी बड़ी थी, मतलब एक अच्छे साइज की रोटी थी। और वो हंस के कह रहा था हम आपके लिए तो 4 या 5 भी बहुत होंगी, तो मैंने कहा ये सही कह रहा है, आप क्यों 6 मंगवा रहे हैं। तो मैंने कहा जी चल तू 5 ला दे, और फिर वही हुआ कि मतलब बड़ी जबरदस्ती वाली बात है कि रोटी जबरदस्ती खाई, और अब्दुलमान ने भी बीच में छोड़ दी, इसने भी रोटी कम खाई है पता नहीं क्यों, गर्मी भी है वैसे भी खाया नहीं जाता, और बोतल पर ज्यादा सबका हाथ, और बोतल पे हम पहले लीटर मंगवाने लगे थे, फिर मैंने कहा यार नहीं 1.5 लीटर ही मंगवा लो, क्योंकि वो 140-180 तो 40 रुपए से आधा लीटर साडा वध रहा है, कोई गल नहीं मंगा लो। तो खैर जी आज की वीडियो में उम्मीद करते हैं कि आपको भी कुछ समझ आई होगी, ऐसे तो आप हमसे ज़्यादा समझदार हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें ना, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो भी पसंद आई होगी, और बच्चा भी आ गया टाटा करने, ये देखें फिर आ गया हमारा काका, दादा बाय बाय। तो इसके साथ ही अपने शाफिज मुद्रस को इजाजत दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, उसको हमने बुलाना नहीं आज, वो पहले भी रो रहा था, उसको पहले बड़ी मुश्किल मुंह में तू तू देके मतलब फेटर देके ना उसको चुप करवाया, ये देखें जी ये पूरा घूम के आया, अब ये ले वो देखें वो लम्मा प्या हुआ है। अच्छा वो उस टाइम से उठ के भी नहीं आया, वो उठ के भी नहीं आ रहा उस टाइम से, नाराज हुआ हुआ ठीक है, नहीं तो ना सही। तो अभी थे फिर आप हमें इजाजत, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीदों के साथ नई उमंगों के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज। We'll be right back.